टोबा टेसिंग जनरल बस स्टैंड में जराइम पेशा अफराद पर नजर रखने के लिए लाखों रुपए मालिये से सीसीटीवी कैमरे लगाए गए जो अरसा दराज से खराब है। जनरल बस स्टैंड के दाखिली और खारजी रास्तों पर ये कैमरे नस्ब किए गए थे जिनका मकसद दहशतगर्दी और जराइम पेशा अफराद पर नजर रखना था, मगर इंतजामिया की गफलत और लापरवाही के बायस कैमरे बंद पड़े हैं। सीसीटीवी कैमरे बंद होने से न सिर्फ मुसाफिर परेशान है बल्कि ट्रांसपोर्टर भी शदीद परेशानी का शिकार है। मुसाफरों का कहना है की जनरल बस स्टैंड में ना तो कोई चेकिंग का मुनासिब बंदोबस्त है और ना ही कोई सीसीटीवी कैमरा चल रहा है, जिसकी वजह से जराइम की वजह में इजाफा हो रहा है। जो दहशतगर्दी से निपटने के लिए जो कैमरे लगाए थे ये उस वक्त से खराब है। तो ये मेरी डिप्टी कमिश्नर टोबा टेक्सिंग से, सेक्रेटरी आरटीए टोबा टेक्सिंग से ये काइंडली रिक्वेस्ट है कि इनको फिर फौर चालू किया जा सके ताकि जो बाहर से आने वाले दहशतगर्द हैं उन पर कड़ी से कड़ी नजर रखी जा सके। वामा मुसाफरों और ट्रांसपोर्टर ने आरटीए सेक्रेटरी समेत आला हुकाम से मुतालबा किया है कि जनरल बस स्टैंड में नस्ब कैमरों को फौरी तौर पर चालू किया जाए ताकि जराइम पेशा अफराद पर नजर रखी जा सके। कैमरा मैन अली हैदर के साथ सुल्तान महमूद, टोबा टेक्सिंग।